प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जो भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी राम राम। देखिए, इस समय एक बड़ी कंफ्यूजन सी बनी हुई है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने वाली कंफ्यूजन, और लोग इस समय बड़ी इसी परेशानी में है कि आखिरकार ये क्या पूरा मामला है। और इसके लिए लास्ट डेट भी 31 मार्च जो है कही जा रही थी, लेकिन अभी इसके अंदर अपडेट ये आया है, उस मामले में बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये सुन लीजिए जो एक अच्छी खबर है कि कुछ दिन और मिल गए हैं, यानी कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है जिसमें आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना है। अभी फिलहाल जो लास्ट डेट है, जो पहले 31 मार्च थी, उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है और अब इस डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा ये अभी ऑर्डर निकाला गया है। अब 30 जून 2023 तक आप लोग लिंक करवा सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड को। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये जरूरी क्यों है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को इसलिए लिंक करने के लिए ज़रूरत पड़ चुकी है और इसलिए कहा गया है क्योंकि अब जितने भी लोगों के जो रिटर्न भरनी होती है या बाकी जो टैक्सेस कटते हैं, उन सभी चीज़ों में पैन और आधार जो है लिंक करने बड़े मैंडेटरी हैं। हालांकि जो लोग ऑलरेडी रिटर्न भर रहे हैं उनके पैन और उनके आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड हैं तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग रिटर्न नहीं भरते हैं, जो आम लोग हैं, जो टैक्स नहीं भरते हैं, अब उनके लिए भी मैंडेटरी हो चुका है कि उनको अपना आधार और अपना पैन कार्ड जो है लिंक करना है। अगर 30 जून तक जो डेट बढ़ा दी गई है उसके बाद अगर कोई नहीं लिंक करता तो उनका पैन कार्ड उसी समय कैंसिल हो जाएगा, फिर उनको पूरे नए तरीके से पैन कार्ड अपना बनवाना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो लिंक करने की फीस है वो 1000 रुपये है, पहले ये फ्री थी लेकिन अब ये 1000 रुपये फीस है। लेकिन कुछ लोगों तक ये भी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि अगर आप 30 जून जो कि अब डेट बढ़ गई है, इसके बाद आप लास्ट डेट के बाद आप लिंक करवाते हैं तो आपको 10000 रुपये देने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, ये सिर्फ एक फेक खबर है 10000 रुपये वाली। अभी फिलहाल 1000 रुपये ही फीस है और 1000 रुपये फीस 30 जून तक है। अगर आप 30 जून तक आधार और पैन को नहीं कनेक्ट करते, लिंक नहीं करते, तो आपका जो पैन कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ 1 जुलाई 2023 से जो पैन टैक्स पेयर्स हैं वो अपना पैन कार्ड जो है कैंसिल हो जाने के बाद ना ही वो अपने टैक्स भर पाएंगे और साथ ही में उसके बाद किसी तरह का कोई भी रिफंड नहीं होगा उनको, और जो इंटरेस्ट होगा वो भी जो उस रिफंड के ऊपर उनको होता है जब आप टैक्स भरते हैं तो उसमें जब कोई रिफंड आता है तो वो भी नहीं आएगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं आएगा। TDS और TCS भी आपका जो है कटेगा और वो भी हायर रेट्स के ऊपर कटेगा। इसके अलावा आपको अभी फिलहाल अगर पैन कार्ड और जो आपका आधार कार्ड है उसको लिंक करना है तो आपको अभी फिलहाल 1000 रुपये देने हैं। इसके लिए आपको जो है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर लीजिए, नहीं कर सकते तो आपको जो है प्राइवेट जो साइबर कैफेज होते हैं वहां पर जाकर ये चीज़ लिंक करवानी है। अगर आप लोग खुद से करना चाहें इसे लिंक, तो इसका जो है एक लिंक है जो कि ई पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है। इसके लिए आपको गूगल करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर और उसमें जाकर ई पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है, जिसमें आप जो है अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। अभी फिलहाल साइट इतनी बिजी चल रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना आधार और पैन लिंक नहीं कर पा रहा है। साइबर कैफे में भी लोगों को दिक्कतें आ रही, इसलिए मैं सरकार को भी कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर जो अपना सिस्टम है, जो इस पोर्टल जो आपने स्टार्ट किया हुआ है ई पोर्टल, इसको थोड़ा सा सर्वर को ध्यान दें क्योंकि सर्वर इस समय बड़ा बिजी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोग जो लोग ऑलरेडी रिटर्न भरते हैं उनकी उनको किसी चीज़ की दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऑलरेडी लिंक्ड होता है। लेकिन जो लोग नहीं भरते उनको पैन और आधार लिंक करना पड़ेगा, अगर वो 30 जून तक नहीं करते तो उनका पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। सो जो पहले डेट 31 मार्च थी उसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे मैक्सिमम शेयर करें लोगों तक। धन्यवाद सभी को, राम राम।